अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज हैं बहुत सारे काम और मुझे घूमने भी जाना है, तो वेलकम टू दी न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी जो है नाश्ता करने जा रहा हूँ। जी नाश्ते में क्या बनाया है आपने? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस, अब मैं जो है नाश्ता कर रहा हूँ। मम्मा ने नाश्ता बना दिया है। मैं खा रहा हूँ बिस्किट्स वगैरह, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं रोज़ाना ही बिस्किट खाता हूँ। वैसे तो रोजाना की तरह जो नाश्ता होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। A few moments later. अच्छा, कुछ लोग जो है वो मैं भी इस तरह बनाती हूँ। कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं, ब्रेड्स को जो है वो प्लेन करके और इस तरह बनाते हैं। लेकिन मेरी अपनी जो है वो अलग जो है वो रेसिपी है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ऐसे आसानी लगती है। ये मैंने स्लाइस ली है और ये पानी में डिप करके मैं एक बाउल में डालती जा रही हूँ सारे स्लाइस। ये देखें, मुझे ज़्यादा आसानी इसमें लगती है, तो मैं इस तरह बनाती हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। सबको ही मेरे माशाल्लाह ये हाथ के ब्रेड रोल बहुत पसंद आते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि इसमें आप आलू भर लें या चिकन भर लें या कीमा भर लें, तो किसी भी तरह जो है इसको फील करके कीमे से फील कर लें। ये देखें, मैंने सारे जो है वो डबल रोटी जो है वो पानी में इस तरह डिप करके, ये देखें ये हो गए सारे। ये देखिए, ये सारे जो है वो एग्जॉस्ट जो है पानी इसमें डबल रोटी में हो गया। अब मैं इसको इस तरह हाथ वॉश करके अच्छी तरह मैं इसको इस तरह भूनूंगी। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा जो है ये आटा गून गया। थोड़ा सा अगर इस तरह रह जाता है तो आप हाथ से इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना अच्छा सॉफ्ट सा जो है इसका पूरे स्लाइसों का जो है वो आटा गुन गया। अब मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठहर जाए और जो है जो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है वो ज़रा थिक हो जाए। एक तरफ मैं आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और मैं ये 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए, हमारे आलू जो है बॉईल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे अपने अपने घरों में, आमीन। आज जो है वो बच्चे मुझसे फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा कुछ जो है वो चीज़ी चा खिला दें और कुछ मज़े की चीज़ खाने का दिल चाह रहा है, तो मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ। और मैंने ये ब्रेड का जो है वो आटा गूंदा था तो आप लोगों को दिखाया था। मैंने ये 1/2 किलो आलू लिए हैं और मोज़रेला चीज़ का एक छोटा पीस लिया, वो मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये हरी मिर्चें हैं 3-4, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। ये सारा मसाला जो है ये उबले हुए जो आलू हैं और ये जो मैंने चिकन थोड़ा सा, ये जो उबले हुए आलू हैं और ये जो मैंने छोटा पैकेट जो है वो चीज़ का लिया है। उबले हुए आलुओं में मैंने ये चीज़ देखें अच्छी तरह मैश कर दिया है, इस तरह देखें, तो ये मैंने इस तरह मैश कर दिया है। ये सारा मसाला जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी, काली मिर्ची, नमक और रेड चिली पाउडर और ये चिकन पाउडर। ये सारा मसाला जो है मैं आलू में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखें, और मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। चीज़ जो है वो मैंने जो है वो एक छोटा सा जो है वो क्यूब्स बना के रखती हूँ मैं चीज़ के, तो मैंने एक छोटा सा क्यूब जो है वो चीज़ का ले लिया था, वो भी मैंने बारीक बारीक काट के उबले हुए आलुओं में मिला दिया। और ये काली मिर्ची, रेड चिली पाउडर, नमक, चिकन पाउडर, हरी मिर्ची, अब मैं ये सारा एक साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, मैंने बहुत अच्छी तरह ये सारा मसाला एक जान कर लिया, बहुत अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया कि कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा ना रह जाए मसाला। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह इसको मसाले को मिक्स कर लिया। अब मैं इसके रोल बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने डबल रोटी का जो आटा गूंथ के रखा था, तो अब मैं जो है वो इसको इस तरह जो है वो अपने हाथ पे फैला लूंगी। ब्रेड का जो मैंने आटा गूंदा था मैं इस तरह इसको अपने हाथ पे फैला लूंगी। और मैं ये जो है आलूओं का जो मैंने भुट्टा बनाया है, जो अमीजा बनाया है,
उसको मैं इस तरह कर लूँगी। देखिए इस तरह मैंने इनको फील कर लिया, इस तरह फोल्ड कर लिया। ये देखिए इतना अच्छा माशाल्लाह जो है वो ज़बरदस्त जो है वो रोल तैयार हो गया। ये देखें और मैं इसको ट्रे में रखती जाऊंगी। सारे मेरी सारे जो है वो एक साथ इस तरह बना लूंगी। ये देखिए बहुत आसानी से, मुझे इस तरह आसान लगता है तो मैं इस तरह बनाती हूँ। ये देखिए ये मैंने भुरता लिया, ये देखिए मैंने ये इसमें ऐसे ऐड कर दिया और इसको मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया। मैं वो रोज़ इस तरह बना बना के रखूँगी। और माशाल्लाह खैर से आमान अपने बाबा की दुकान पे गई हुई, अपने बाबा की शॉप पे गई हुई, तो बस जो है वो आएंगे तो उनको जो है मैं ये ब्रेड रोल तैयार करके रख रही हूँ। जब वो आएंगे तो मैं इनको फ्राई करके दूँगी, बहुत खुश हो जाएंगे। वो बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह, रमज़ानों में से स्पेशली मुझसे बनवाते हैं। ये देखिए मैंने जो है वो ब्रेड का जो है, जो मैंने ब्रेड का आटा गूंदा था वो इसको अच्छी तरह एक पेड़ा लेके छोटा सा इस तरह मैंने अपने हाथ से अच्छी तरह इसको फैला लिया है। और जो ये मैंने आलूओं का जो भुरता बनाया है, देखिए ये इस तरह जो है मैं सारे रोलों में इस तरह भरती जाऊँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे इसका आटा गूंद के डबल रोटी का। ये देखिए कितनी अच्छी तरह फील हो गया। ये देखिए ज़बरदस्त जो है वो रोल तैयार है, बहुत मज़ेदार। मैं इसमें क्रम्स और अंडा लगा के इसको फ्राई करूँगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए ये इस तरह मैंने जो है वो उनको रोलों को बना लिया और मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। देखिए ये रोल बना बना के मैं सारे यहाँ रखती जा रही हूँ। तो अब आप देखें, आप लोग जो है मुझे अमान की चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यकीनन आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है। बच्चियाँ जो हैं वो बहुत तारीफ़ कर रही हैं कि आंटी जो हैं वो बहुत चला से जो है वो इतने अच्छे रोल तैयार हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह ये आंटी डबल रोटी में इतनी सारी रोल माशाल्लाह से ये बन जाते हैं। ये देखें आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मम्मा ने बनाए हुए हैं ब्रेड रोल, बस ये मैं इनको फ्राई करके अमान को। आई लव यू मम्मा। ये देखिए मैं इस तरह से एक एक रोल जो है वो अंडे में डिप करूंगी और फिर ट्रम्स लगाऊंगी इसमें और मैं इसमें माशाल्लाह से दाल डालूंगी। ये देखिए मैं सारे रोल इसी तरह फ्राई कर लूंगी और बहुत मज़े की, बहुत चीज़ी थी क्योंकि मैंने आलू के भुरते में जो है वो चीज़ ऐड करी थी, तो बहुत मज़ेदार और बहुत चीज़ी से जो है वो ये रोल बनके तैयार होंगे। हाँ मुझे तो देख के ही भूख लग रही है। आपको तो बहुत पसंद है, मैं यही बता रही थी व्यूवर्स को कि अमान बहुत शौक से ये रोल खाते हैं और पूरे रमज़ान जो है वो चिकन में बनवा बनवा के इन्होंने मुझसे खाए। लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माशाल्लाह मजेदार चीजी रोल तैयार है। ये देखे माशाल्लाह से, ये देखे कितनी चीजी से। तो गाइस अभी मैं बाहर जा रहा हूँ दरिया की तरफ, तो मैं आप लोग को आज वहाँ का टूर करवाऊंगा। चले सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे। तो गाइज यहाँ से जो है एक्सटेंशन का एरिया है और ये पूरा एक्सटेंशन का साइड है। यहाँ से न्यू प्लांटिंग हो रही है और इसी साइड से थोड़ा सा आगे जाकर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरे पावर प्लांट लगे हुए हैं। थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ से जो है बंद स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो गाइज़ यहाँ से देखिए खत्म हो चुका है ये रास्ता एक्सटेंशन का और अब ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है, मतलब सिंध का जो दरिया है हमारे यहाँ का, तो उसका रास्ता जा रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी खेतें बनाई हुई इन्होंने और साइडों में मतलब इन्होंने पानी वगैरह भी छोड़ा हुआ, जैसे जानवर वगैरह ना आ पाएँ या कोई लोग इनकी खेतों वगैरह को नुकसान ना पहुँचाएँ।
और जो है ना ये देखिए, ये पूरा खेतों का इलाका है इनका ना, ये दरिया का साइड है पूरा। और जब जब पानी ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है दरिया के ऊपर, तो ये सब जगह जो है पूरी पानी में डूब जाती है। ये देखिए सारी प्यारी प्यारी फसलें बनी हुई हैं यहाँ, सारे पौधे खेते वगैरह हैं, आम के दरख्त हैं, और जो है सब्जियाँ वगैरह, करेला, तुरई, और इन सब की जगह है। और यहाँ पर ये लोग खुद रहते हैं। तो अभी हम लोग जो है आगे ही जा रहे हैं, आगे जाते जाते मैं आपको और भी दिखाता हूँ। सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे। गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा खेतों का इलाका है, और काफी सारी जो है यहाँ पे खेताबाड़ी करी हुई है इन्होंने। और ये जो बहुत ज़्यादा वैसा था यहाँ पर, जो है बाइक वगैरह भी जो है हमारी सही तरीके से नहीं चल रही थी, बहुत एहतियात से चलानी पड़ रही थी। तो जो है ना ये लोग इसके सामने रह रहे होते हैं, और मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही थी। वो देखे सामने, वो देखे सारी हरियाली हरियाली है, इन्होंने पालक वगैरह लगाया हुआ, ये सारी चीज़ें। अभी मजा आएगा ना। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पैसे वगैरह बंधी हुई हैं, और ये पूरा खेतों का इलाका है। तो ये ठंडी जगह पे दरख्त के नीचे पैसे वगैरह बंधी हुई हैं। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज जो है बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो ये पूरा रास्ता जो है दरिया की तरफ जा रहा है, और अब बस हम लोग जो है थोड़ी देर के अंदर पहुँचने ही वाले हैं दरिया की तरफ ना। रास्ता थोड़ा ख़राब था तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। ये देखिए सारी फसलें, ये देख सकते हैं आप पूरे पूरे दरख्त बने हुए हैं, आगे पूरे पूरे दरख्त हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। A few moments later. तो गाइस मैं फाइनली दरियाए सिंध पहुंच चुका हूं, और आप देख सकते हैं यहां पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, मतलब चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही थी, और ये देखिए सारा ग्रीन ग्रोथ का एरिया, ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सारी मिट्टी वगैरह रखी हुई है यहाँ पे सारी की सारी। और जो ये ऐसी बालू रेत होती है, मतलब पूरी उड़ उड़ के जो है ना चेहरे पे आ रही होती है, और ज़्यादा उड़ रही होती है, इसकी वजह से जो है ना इंसान इसके ऊपर तो चलना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी देखिए सामने जो है पूरा दरिया सिंध है। तो गाइस ये देखिए कितना बड़ा जो है सामने दरिया सिंध जा रहा है, पूरा कोटरी से भी आगे जा रहा है, पता नहीं कहाँ से तक जाते हुए ये ख़त्म हो रहा है, और काफ़ी आगे तक जा रहा है, और काफ़ी गहरा होता है। और ये तो बना भी क्या हुआ है लोगों को यहाँ पे, मतलब जो है आने के लिए, आगे ना आने वगैरह के लिए ना सख्ती से मना किया हुआ है। तो देखें आ जाए मैं आपको और दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, और अभी हम आगे पहुँच ही रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ से जो है चढ़ाइयों से नीचे उतरना पड़ता है। ये देखिए सामने पूरा दरिया सिंध का पानी ही पानी नज़र आ रहा है, और काफ़ी लोग यहाँ पे इन्जॉय करने के लिए आए हुए हैं। गाइस मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा दरिया, तो जो है ना यहाँ पर ही मतलब पल्ला मछली पाई जाती है, और लोग जो है यहाँ दूर दूर से जो है पल्ला मछली खाने के लिए आते हैं। सिंध की पल्ला मछली बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहीं से मिलती है पल्ला मछली, यहीं से लोग जो है आके पकड़ते हैं, और वो फिर उसके बाद जो है वो बेचते हैं। तो यहाँ की जो है बहुत मशहूर है पल्ला मछली। तो गाइस ये जो दरिया है बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो इसलिए हम लोग आगे नहीं गए, और आगे जाने की इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन लोग फिर भी आगे जा रहे थे। बस हमने जो है आगे आगे से जो है बैठ कर जो है वीडियोस बना ली, या इस मतलब किनारे पे खड़े होकर वीडियोस बना ली, हम ज़्यादा आगे नहीं गए, क्योंकि सिंध का जो दरिया है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो गाइज़ ये देखिए मैंने जो है जो रेत बनी हुई थी इसके अंदर जो है मैंने हार्ट बना के अपना नेम का अल्फ़ाबेट लिखा, और बड़ा मज़ा आ रहा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर।
तो गाइस इसी दरिया सिंध की वजह से जो है मतलब दरिया की वजह से दरिया सिंध की वजह से यहाँ की हवाएं जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, यहाँ की शामें बहुत मशहूर है, यहाँ की शाम बहुत अच्छी होती है, सिर्फ इस दरिया की वजह से होती है। और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही होती है और आप यकीन जाने इस वक्त भी बहुत ज़बरदस्त हवा चलना स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए सामने जो है बच्चे काफ़ी दूर दूर तक नहा रहे थे, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है ना बच्चों की एहतियात रखनी चाहिए, लेकिन क्या करें उनके पेरेंट्स ने जो है उनको इतनी दूर दूर तक जो है पानी में छोड़ा हुआ है। तो गाइस ये देख सकते हैं वो आने का रास्ता है, देखिए उस तरफ से हम लोग आए थे और ये पूरा दरिया सिंध बना हुआ है यहाँ पे। हम तो शुरू में ही खड़े हुए थे, मतलब कॉर्नर के साइड पे खड़े हुए थे, हम आगे ज़्यादा नहीं जा रहे थे, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। लोग तो यहाँ पर आते हैं, लोग कराची, सक्कर, हैदराबाद, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ की पल्ला मछली खाने के लिए। मज़ा आया। और मैं हम लोगों को जो है जब हम लोग जो है ना यहाँ पर आए वॉकिंग करने के लिए, तो ये देखें हम लोगों को जो है सीटी निकली जबरदस्त प्यारी वाओ। अभी मजा आएगा ना। ये देखिए हम लोगों को जो है जब हम लोग जो है यहाँ पर आए, और देखिए कितनी अच्छी अच्छी सीखियाँ मिली हैं हमें, ज़बरदस्त देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखिए अल्लाह पाक की कुदरत है, कितनी प्यारी सीखियाँ मिली हैं हमें। ये देखिए गाइस हमने कितनी सारी ज़बरदस्त, ये देखिए कितनी कौन है ये लोग, गाइस देखिए इन्होंने इतनी सारी सीखियाँ जमा करी हैं और ये पूरी शॉपर भर चुकी है सीखियों से ही, मगरिब के अजाने में होने वाली थी और मैं शेल्फ ढूंढने के चक्कर में था। शेल्फ बहुत अच्छे लग रहे थे, कलरफुल शेल्फ थे बहुत सारे और मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए शेल्फ। गाइस जब मैं हम लोगों ने देखा तो सामने जो है दो लड़के जो है मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो जो है ना मतलब जो है ना इस तरीके से यहाँ क्या मैंने आपको बताया था मछली मशहूर है, देखिए वो मछलियाँ पकड़ रहे थे, कलरफुल छोटी छोटी मछलियाँ उन्होंने पकड़ी। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ज़रा मुझे भी तो दिखाएं कि कौन कौन सी पकड़ी हैं आपने मछलियाँ, छोटी छोटी सी मछलियाँ उन्होंने पकड़ी थी, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी दिखाएँगे ये खुद, we'll be right back।
तो गाइस आप लोग जरूर बताइएगा कि बाय बाय आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और जो है मुझे तो घर बहुत मज़ा आया है यहाँ पे, बहुत अच्छी है, और जो है काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, और ये देखिए सामने दरिया सिंध है, और यहाँ से जाने का रास्ता है, हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। फिर हम जाने के बाद रास्ते में जो है हमें खेतें वगैरह नज़र आई, तो मैंने कहा क्यों ना आपको खेतें वगैरह भी दिखाई जाए। यहाँ पे भी इन्होंने ग्रीन ग्रोस थी, बहुत से मकान बने हुए थे, और जो है काफ़ी पौधे वगैरह लगाए हुए थे, पालक लौकी वगैरह ये सारी चीज़ें ना ये देख सकते हैं आप, कितनी ज़बरदस्त, और माशाल्लाह से प्याज वगैरह हरी प्याज ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, सारी की सारी लगी हुई थी। देख सकते हैं जो है ना हम लोग को बहुत मज़ा आया, हम लोग बंद के बाद जो है ये देखें विलेज के अंदर और काफ़ी अच्छी चीज़ें ही देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी ज़बरदस्त हरियाली हुई हुई है। तो इन्होंने यहाँ पर जो पौधे वगैरह उगाए हैं जैसे पालक हो गया, प्याज हो गया, और ये चीज़ें मैं तो जाकर बिल्कुल काला हो गया, देख ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती, ये भी खुदा की कुदरत है, ये देखिए। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमारा ब्लॉग, आपको आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम, अब हम लोग जो है घर जा रहे हैं, तो अब क्योंकि मगरिब के अज़ान का टाइम हो चुका है, ये देखिए ये सारा हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन का एरिया है, तो अब हम जा रहे हैं घर। हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, और मैंने कुछ सीढ़ियाँ वगैरह भी देखी हैं सीयू साइड के ऊपर, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को आज, क्योंकि गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती थी इसलिए हम लोग बाइक्स पे गए थे। मॉर्निंग वॉक करते हैं, देखिए पूरा एक्सटेंशन का एरिया है, उसके बाद हम लोग भूख लगी तो हमने कहा चलो कचौड़ियाँ खाते हैं, तो जो है कचौड़ियों की जो है स्टॉल लगाए हुए थे कंकड़, और बस साफ़ सुथराई से जो है कचौड़ियाँ बना बना के दे रहे थे, वो बड़ी गरम गरम कचौड़ियाँ, और हमने कचौड़ियाँ भी इंजॉय करी, बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। जो मैं खाना खा रहा हूँ नीचे गिरना लाजमी था। ठीक है गाइस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मैंने खा लिया है खाना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम।